जनपद बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में वन विभाग के दरोगा की अभद्रता से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। दरोगा पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। जनपद बिजनौर में मौसम का बिगड़ा मिजाज, बारिश व सर्द हवाओं से सर्दी में इजाफा, अलाव जलाकर लोग कर रहे सर्दी से बचाव। बढ़ापुर क्षेत्र से भाजपा विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने विकासखंड कोतवाली में नवनिर्मित मल्टीपर्पज सीड स्टोर एंड टेक्नोलॉजी डेसिमेशन सेंटर का किया शिलान्यास। धामपुर में डॉक्टर दुर्गा सिंह स्मारक श्री रामकन्या इंटर कॉलेज सुहागपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह का जन्मदिन। मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। चांदपुर क्षेत्र के गांव नजरपुर निवासी शहीद सैनिक के परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई 25 लाख रुपए की धनराशि। चांदपुर विधायक कमलेश सैनी, रुमाल सिंह और आर्मी अधिकारी ने परिवार को सौंपा चेक। चांदपुर तहसील परिसर में सर्दी से बचाव के लिए गरीबों को वितरित किए गए कंबल। विधायक कमलेश सैनी और उप जिलाधिकारी हिमांशु वर्मा द्वारा किया गया कंबल वितरण। चांदपुर क्षेत्र स्थित फादर सन पब्लिक स्कूल के 15 से 18 वर्ष तक के छात्र छात्राओं का कोविड से बचाव के लिए कराया गया टीकाकरण। जनपद बिजनौर के नूरपुर में अज्ञात बदमाशों ने पूर्व विहिप नेता और नूरपुर क्षेत्र से भावी प्रत्याशी के घर बोला धावा। विरोध बढ़ता देख धमकी देकर फरार हुए बदमाश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ।